हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम जगशीर सिंह है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हमने क्या बनाया है, एक लॉगिन पैनल बनाया है। इसमें दो फील्ड्स हमने दी है, एक ईमेल्स की, एक पासवर्ड की। यहाँ पे नीचे एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे बनाया है, कैसे कौन कौन से टैग यूज़ किए हैं, जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ भी, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो एक रिक्वेस्ट होती है आपके सामने छोटी सी, हर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और कमेंट कर दीजिएगा। तो अब मैंने आपके लिए, मैंने पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया, अभी हमने एक वेबसाइट बनाई है आपके लिए। तो उस पर मैं आपको जो ये जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसका जो सारा सोर्स कोड है आपको हमारी इस वेबसाइट पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप देख लीजिए, iwtnet.com, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स कोड पे आना है। यहाँ पे आपको सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, हमारा जो आपको सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा, जो भी मैं आप इस वीडियो का जो सोर्स कोड होगा वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ का नहीं बल्कि जो भी हमारी अब लेटेस्ट वीडियो है सबका सोर्स कोड है वो मैं आपको यहाँ पे, हमारे जो सोर्स कोड का ये वाला पेज है इस पे आपको सबको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, सोर्स कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए, बस छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बड़ा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, आपको समझना है सिर्फ। यहाँ पे एक डिग्री है बॉक्स, बॉक्स के अंदर, ठीक है, बॉक्स के अंदर ध्यान रखिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने एक ट्रायंगल का डिग्री लिया है, ठीक है, और एक यहाँ पे लॉगिन का लिया है और यहाँ पे एक फॉर्म लिया है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एक बॉक्स है, उसके अंदर एक ट्रायंगल लिया हुआ है और यहाँ पे एक H2 है और यहाँ पे फॉर्म है, तीन चीजें हैं कि डिव है, H1 है और फॉर्म है, बस फॉर्म के अंदर हमारे इनपुट्स हैं, बस दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा बॉक्स है, सबसे पहले बॉक्स को क्या मॉडिफाई किया है, सबसे पहले जो बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है, नेवी ब्लू जिसको आप बोल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट का जो फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है, ठीक है, वो है। अब अभी बॉक्स, बॉक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स की विड्थ 400 मार्जिन ऑटो 16x16 पिक्सल ऑटो दिया। अब ऑटो क्यों दिया, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो लेफ्ट में है, तो सेंटर में करने के लिए हमने इसको 16 और मार्जिन ऑटो दिया हुआ है, ठीक है, सेव, और इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फॉन्ट साइज है जो, ठीक है, ये इसका 16 पिक्सल है। अब हेडर है, हेडर हेडर और बॉक्स, जो हेडर और बॉक्स में जो भी पी टैग है उसका मार्जिन टॉप से भी 0 दिया, बॉटम से भी 0 दिया, मतलब इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, अगर इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करके दिखाता हूँ तो गेप आ जाएगा इनमें बीच में, तो गेप नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपना जो मार्जिन टॉप और बॉटम से इसको क्या किया, इनको 0 कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर देता हूँ। अब ट्रायंगल, अब हमारी ट्रायंगल है जो, हमारा ट्रायंगल को विड्थ दी हमने 0, ठीक है, राइट से मार्जिन राइट से ऑटो कर दिया, लेफ्ट से ऑटो कर दिया, बॉर्डर इसका दिया, सिर्फ बॉर्डर दिया और कुछ नहीं दिया, 12 पिक्सल दे दिया, सॉलिड ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। और उसका जो बॉटम कलर है, उसका जो बॉटम कलर है वो हमने क्या दिया है, जो इसके जो कलर होगा हमारे हेडर का उसके साथ है, ये देखिए हेडर का भी बैकग्राउंड कलर ये है और इसका भी मतलब ब्लू कलर जो आ रहा है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मार्जिन लेफ्ट को ऑटो को एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इसका जो ट्रायंगल है वो इधर आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नहीं चाहिए, सेंटर पे जाइए, इसलिए हमने इसको लेफ्ट से भी कर दिया और राइट से भी ऑटो कर दिया, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर है हमारा, हेडर में क्या है, हेडर में यहाँ पे लॉगिन है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, हेडर में यहाँ पे लॉगिन लगा हुआ है। तो हेडर को देखिए बैकग्राउंड कलर वही, पैडिंग 20 पिक्सल दी हुई है, ठीक है, फॉन्ट साइज इतना दिया हुआ है, ठीक है, जो फॉन्ट वेट है इसका वो नॉर्मल है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके रखा हुआ है, ठीक है, जो सेंटर नहीं करता तो लेफ्ट में या राइट में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं चाहिए, सेंटर पे जाइए, इसको सेव कर देता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऊपर केस में, यानी कि वो जो कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया, और अब यहाँ पे नीचे आ गया हमारा कंटेनर, ये कंटेनर हमारा यहाँ पे है, ये रहा कंटेनर के अंदर हमारी जो फील्ड है, ये रहा कंटेनर, ठीक है, फॉर्म के, फॉर्म को हमने कंटेनर दिया हुआ है, बैकग्राउंड ये दे दिए कलर वाइट है, ठीक है, और पैडिंग 12 पिक्सल दे दिए, ठीक है। अब बॉक्स में अंदर जो पी है उसकी पैडिंग क्या है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए
ठीक है, दोनों के बीच में पैडिंग खत्म हो गई, तो 12 पिक्सल दे दिया हमने। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे नीचे अब इनपुट है। अब इनपुट में हमें जो बॉक्स साइजिंग है, बॉर्डर बॉक्स, मतलब जो पैडिंग होगी, जो मार्जिन होगा वो 0 काउंट करेगा। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन 0 काउंट करेगा। अगर यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाहर निकल गया, मतलब कि जो इसकी जो पैडिंग और मार्जिन है वो इसने ले लिया, वो हमें नहीं चाहिए, वो उसको 0 के बराबर लेगा। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, वो बंद है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करके रखा है अभी, मतलब इसके बाहर ना जाए। ठीक है, और विड्थ इसकी 100% फुल रखी है, बॉर्डर विड्थ है 1 विड्थ है जो इसकी 1 पिक्सल है, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड रखा है। ठीक है, और पैडिंग 16 पिक्सल और इसकी आउटलाइन 0 है। अब इसको मैं अगर मूव कर देता हूँ 0 को, मतलब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर की लाइन आ रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें ये अपना जो खुद का एक कलर है हमने दिया हुआ है बॉर्डर को, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली इनहेरिट करके रखा, और फॉन्ट साइज इसका 0 मतलब 1 से भी कम करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर बॉक्स है, इनपुट है हमारी, और ईमेल है। ठीक है, इसकी ईमेल है और ये पासवर्ड है, दो टाइप्स है हमारी। ठीक है, बॉक्स के अंदर इन दोनों को क्या किया है हमने, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वाइट कलर के रखा हुआ है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर के रखी हुई है, और जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक दे दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइट सा आ रहा है ब्लैक, यहाँ पे देखिए लाइट सा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो कलर इसका जो है वो ब्लैक आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब नीचे अगर इनपुट है, अगर इस पर फोकस होगा, मतलब कि इसमें जो इनकी जो फील्ड है, इसकी मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं फील्ड पे यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ तो ये देखिए इसका बॉर्डर थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ठीक है, तो फोकस दिया हुआ है इसको, इसका कलर है जो थोड़ा सा डार्क होके आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से सबमिट है, सबमिट बटन को हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया हुआ है, इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, कलर है जो इसका व्हाइट किया हुआ है, और पॉइंटर कर्सर जो हाथ बन रहा है यहाँ पे, अब देखिए कलर व्हाइट, अभी यहाँ पे हाथ बन रहा है। ठीक है, अब मैं देखिए इसका कलर जो लाइट है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो डार्क हो रहा है। ठीक है, तो डार्क क्यों हो रहा है, अब इस पे होवर होगा तो इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा। यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर इसका डार्क दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारी जो इनपुट है सबमिट है, अगर इस पर फोकस होगा तो इसका जो बॉर्डर कलर है वो थोड़ा सा आएगा यहाँ पे ब्लू कलर में, आप देख सकते हो। मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लू और डार्क ब्लू हो जाए, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक लॉगिन और एडमिन पैनल। ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इसका जो सोर्स कोड है, मैं अपने यहाँ पे iwtnet.com हमारी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे इनका जो सोर्स कोड है, आप यहाँ पे आएंगे हमारे सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सोर्स कोड मिल जाएगा। तो आप इजी से यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं आपको मिलेंगे, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है, बस इतना काम करना है, और आपको जो फ्री में सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर देंगे। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।